नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर बिहार से सामने आई है, जो आपको बता दें कि जदयू विधायक कुमुद वर्मा और सांसद सुनील कुमार जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज का दिन बिहार के लिए काफी अहम, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एक अहम बैठक है और इस बैठक के लिए तमाम जेडीयू और आरजेडी के विधायक पहुंच रहे हैं। सिलसिला जारी है और इसी बीच नीतीश कुमार एक बार फिर बदल सकते हैं अपना पाला बहुत तेजी के साथ। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में कुछ बड़ा बदलाव किया जा सकता है और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है। सीएम आवास पहुंचे हैं जदयू विधायक और इसी के साथ ही कुमुद वर्मा पहुंची हैं, सांसद सुनील कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और इसी बीच नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों और विधायकों को बैठक में बुलाया है। काफी अहम बैठक मानी जा रही है। रुक करते हैं फतेहपुर का, जहां पर सपा बूथ अध्यक्ष का 20,000 रुपए लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद से ही पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर चुकी है। दरअसल मामला है जनपद के ओंग थाना क्षेत्र के छिवली गांव का। बताते चलें कि छिवली गांव में कई घरों में मोबाइल चोरी के मामले संदिग्ध पाए गए और कई संदिग्ध युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। पर एक परिवार का आरोप है कि गांव के रहने वाले सपा के बूथ अध्यक्ष और एक युवक ने 20,000 रुपए की मांग की और पीड़ित परिवार को यह कहकर कहा गया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ओंग थाना इंचार्ज आपके लड़के के खिलाफ झूठा मुकदमा चोरी का लिख देंगे। और पैसे थाना इंचार्ज ने 20,000 रुपए मांगे हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आपके लड़के को छोड़ने के लिए परिवार अब घबरा कर सपा बूथ अध्यक्ष को 20,000 रुपए दे चुका है। तो वहीं पीड़ित परिवार थाना परिसर में जाकर घूस लेने वाले सपा बूथ अध्यक्ष और एक युवक के खिलाफ तहरीर देकर आया है। बता दें आपको कि ओंग पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। ₹20,000। अच्छा, किस ले लिए थे? कहन की वो जो है तुम्हारा काम हो गया है, अंदर बैठ रहे थाने में, आपका दुकान से बुलाइन किया जाओ तो मां गए। हम तो कहने लग बाहर निकले तो कहने लग पैसा दो, बात हो गया तुम्हारा काम खत्म है। अच्छा, तो आपने सुना, यहाँ पर साफ कबूला गया है कि रिश्वत मांगी गई है। दरअसल गांव में चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं और इसी के लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने को लेकर यह घूस की मांग उठाई गई थी। और इसी बीच अब पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि ये धमकाया गया उन्हें कि अगर 20,000 रुपए नहीं दिए गए तो उनके बेटे को चोरी के आरोप में फंसा कर जेल में डाल दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारी संज्ञान में मामला ले चुके हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आ रही है। बिहार से एक और बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि राजद नेता लालू प्रसाद यादव एक अहम बैठक कर रहे हैं। बता दें आज का दिन काफी अहम बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि इसी बीच आज के दिन दो बड़ी बैठकें जारी हैं। एक बैठक सीएम नीतीश कुमार के आवास पर शुरू होगी और एक बैठक आपको बता दें नेता लालू यादव के घर पटना आवास पर हो रही है। राजद के विधायकों और सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया और ये बैठक शुरू की जा चुकी है। हालांकि बैठक में विधायकों के फोन जो हैं उसे बाहर रखने के लिए कहा गया, यानी कमरों के अंदर जहां बैठक है फोन नहीं ले जा पाए विधायक, सभी के फोन बाहर जमा किए गए और सभी विधायकों के नाश्ते का इंतजाम भी वहीं किया गया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के आवास पर ही खाने पीने और नाश्ते का इंतजाम है और एक अहम बैठक की जा रही है राजद नेता लालू के आवास पर। बैठक शुरू की जा चुकी है, तमाम विधायक और सांसद बैठक में शामिल हुए। राजद के विधायकों और सांसदों की यह बैठक बताई जा रही है और सभी विधायकों के जो मोबाइल फोन हैं उन्हें कमरे से बाहर रखने के लिए कह दिया गया है। साथ ही आपको बता दें वहां पर नाश्ते का बंदोबस्त भी किया गया है और काफी अहम बैठक और चर्चा का अनुमान जताया जा रहा है। काफी बड़ा निर्णय जल्दी ही जनता के सामने रखा जाएगा।
और अब रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में एम्स के एक कर्मचारी समेत करीब 18 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 18 संक्रमित मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल सोमवार को 785 लोगों की जो जांच है वो की गई थी, जिसमें से 18 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। जिले में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 53 हो चुकी है और सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट करवाकर दवाई की किट पहुंचा दी गई है। और अब एक खबर बलिया से सामने आई है, बड़ी खबर इस वक्त की। बलिया से आपको रूबरू करवा दें कि बलिया में घाघरा का जल स्तर बढ़ चुका है। बारिश की वजह से घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ा है और इस बढ़ते जल स्तर के साथ ही जो तमाम ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। बलिया में घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और बताया जा रहा है कि जो नदी है उसने खतरे के लाल निशान को पार कर लिया है। खतरा बिंदु से यानी 64.01 से पार होकर 64.17 पर जो जल स्तर है वो पहुंच चुका है नदी का। और घाघरा के जल स्तर के बढ़ने की वजह से जो तमाम इलाके के लोग हैं दहशत में हैं। बता दें आपको कि कटान भी तेजी के साथ जारी है और जलमग्न और बाढ़ का खतरा अब ग्रामीणों को सता रहा है। बलिया से खबर सामने आई है जहां पर घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और इसी के साथ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेती की जमीन है लेकिन जलस्तर बढ़ने की वजह से कटान की समस्या से जो ग्रामीण हैं वो जूझ रहे हैं। साथ ही साथ दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों में पलायन करने के लिए भी कई लोग मजबूर हो गए हैं क्योंकि जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है। तो ये कर्बला के सबसे नन्हे शहीद जिनका नाम अली असगर रहा, उनकी आयु सिर्फ 6 महीने की थी, शहादत पर जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर में मुहर्रम की 9 तारीख की रात शिया समुदाय के अकीदत मंदों ने गहवारा तजिया अलम निकालकर नन्हे शहीद को याद किया। उनके गम के माहौल में ये मातमी दस्ता निकाला गया है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं यहाँ पर पूरे जोश के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मातम है लेकिन उस शहादत को ये तमाम लोग आज याद कर रहे हैं और इस मातमी माहौल में मुहर्रम का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है जहां सिनौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में बंद पड़े मदरसे में एक 50 साल के बुजुर्ग ने, विशेष समुदाय के व्यक्ति ने, उसी समुदाय की 8 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। खून से लथपथ हालत में यह बच्ची रोते हुए किसी तरह अपने घर पहुंची है और परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। इस घटना के बारे में सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और इसी के बाद बच्ची के परिजन ने इस मामले की जो शिकायत है वो पुलिस से की। पुलिस ने फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की इस बच्ची जो कि अपने घर से रुपए लेकर दुकान पर सामान लेने जा रही थी लेकिन इसी वक्त समय रास्ते में ही उसे गांव के एक व्यक्ति ने रोक लिया। बच्ची को बहला फुसलाकर ये जो शख्स है अपने साथ ले गया और आरोप है कि उसने बंद पड़े एक मदरसे में इस बच्ची को ले जाकर कमरे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसी के बाद बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई और आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया है। सूचना पाते ही सीओ नौतनवा समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस केस दर्ज कर अब आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है। आज दिनांक 8 अगस्त को थाना सोनौली अंतर्गत ग्राम जारा में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी समुदाय के लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित किया। उसके उपरांत उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट भी बुलाई गई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में एक गाय उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब टीन की एक छोटी सी कैन इस बेजुबान के मुंह में फंस गई। पहले तो लोगों ने भीड़ भाड़ में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया लेकिन बाद में जब थोड़ी रात हुई, सड़कों पर सन्नाटा पसरा तो दुकानदारों की नजर गाय पर पड़ी और गाय के मुंह में टीन का डब्बा फंसा हुआ देखा गया।
बता दें आपको कि पहले तो लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत फंसा होगा, लेकिन आसानी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि आसपास के दुकानदारों ने उसे निकालने का भरपूर प्रयास किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ युवक हैं इस गाय के पास पहुंचे हैं, टीन का डब्बा गाय के मुंह के निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस प्रयास में गाय उग्र हो जाती है, काफी परेशान, क्योंकि वो बेजुबान इस वक्त है और उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि काफी देर हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाय के डब्बा जो फंसा हुआ है गाय के मुंह में, और वो झटपटा रही है, दर्द से कर्रा रही है। इधर भागती हुई गाय देखकर इमरजेंसी में तैनात एक वार्ड बॉय जिसका नाम राज श्रीवास्तव बताया गया, उसने अपने तमाम साथियों की मदद से किसी तरह कैन को काटकर गाय के मुंह से अलग किया है। और एक गाय को जो है काफी कैन फंस गया था, हम लोग करीब 3 बजे से परेशान हैं, सुपरमार्केट में फंस गई थी उसके मुंह में, और काफी मशक्कत के बाद जो है 3 से 4 घंटे लगे इस ऑपरेशन को करने में। और हमारे दोस्त साथी जो है ब्रजात तिवारी यादव एडवोकेट तिवारी और सिद्धार्थ भैया हमारे आशीष अवस्थी जी, काफ़ी मेहनत के बाद चारों लोगों ने कम से कम 3 से 4 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, अब जाके सफलता हाथ लगी है। और शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी के पास अमृतनगर मोहल्ले में रहने वाले दीपक पाल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करते हुए शव को छत पर ही छोड़ दिया गया और छत पर इस युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि परिजनों ने दीपक पाल के ही सगे बड़े भाई मनोज पाल पर हत्या करने की आशंका जताई है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये अमृतनगर में दीपक पाल हैं, पुत्र रमेश चंद्र पाल, इनकी डेड बॉडी मिली है छत पर। प्रथम दृष्टया जो देखने पर लग रहा है मिट्टी और फिसलन का निशान है और मुंह के बल डेड बॉडी मिली है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण, फिलहाल संदिग्ध है। रायबरेली से एक खबर सामने आई है जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया। एक बार फिर से एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बता दें आपको कि तेज रफ्तार से आ रही एक बुलेरो गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बुलेरो की टक्कर से ये बाइक सवार और बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक सवार युवक की पहचान लाले नाम के शख्स के रूप में हुई, जिसकी उम्र 40 साल बताई गई, जबकि महिला का नाम विद्यावती है और वो उम्र में 45 साल है। बता दें आपको कि इन दोनों ही घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशगंज बाजार के पास की बताई गई। एक लाली आए हैं 40 साल, उन्हीं के बाद एक आई विद्यावती, दो लोग साथ में थे, एक्सीडेंट हुआ है और लाले की हालत गड़बड़ है और विद्यावती फिलहाल ठीक दिख रही है, उनको भी चोटें काफ़ी हैं। दोनों लोग को एडमिट किया गया फर्स्ट एड करने के बाद। कहाँ से रिफर किए? PSC सलवन से। एक लाले आए हैं 40 साल। अबीजपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर क्षेत्र के अजीर नदी के किनारे म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने छठ पूजा घाट के लिए निर्माण के लिए भूमि पूजन कर जरह समेत आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की बात कही। बताते चले कि NTPC बीजपुर के आवासीय परिसर छोड़कर बीजपुर इलाके में कहीं पर भी छठ पूजा घाट नहीं है। काफी लंबे समय से श्रद्धालु भक्त जो है पूजा घाट की मांग करते आ रहे हैं। इसी मांग को देखते हुए भूमि पूजन किया गया और क्षेत्रीय लोगों में काफी इस दौरान हर्ष और उत्साह देखने को मिला है। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र सिंह बघेल, गणेश शर्मा, रवि गुप्ता, श्याम सुंदर जायसवाल और विनोद भारती मौजूद रहे। काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि काफी खुशी नजर आ रही सभी के चेहरे पर। बताया जा रहा है कि जरह में अजीर नदी के किनारे काफी समय से छठ पूजा की मांग आम जनता के द्वारा की जा रही थी। इसी मांग को देखते हुए म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने भूमि पूजन किया है और कहा गया कि हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान काफी समय से छठ पूजा की मांग कर रहे थे। छठ पूजा घाट की मांग को देखते हुए भूमि पूजन किया गया है, जगह चिन्हित की गई और ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने यह भी बताया कि सितंबर महीने में क्षेत्र पंचायत कोटे से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले आगामी छठ पूजा तक
पूजा घाट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कि छठ व्रत करने वाले श्रद्धालु भक्तों को काफी सुविधा होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजपुर के सिरसोती स्थित रिहंद बांध के किनारे शमशान घाट भी बनवाया जाएगा। इसके लिए एक टीम के साथ जाकर खुद लोगों से राय विचार कर स्थान का चयन करने के लिए वहां पर चयनित करने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं यहाँ के और प्रधान हैं, जगमोहन जी हैं, तफसील जी हैं और हमारे संतोष जी हैं, देवनाथ जी हैं, प्रधान सुशीला देवी हैं। आप सभी लोगों का, जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे छठ घाट और शमशान घाट के लिए बराबर प्रेरित होता रहता था और हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ गणेश्वर मंदिर जो धाम है, लगातार जो काफ़ी इस क्षेत्र के लोगों का आस्था है, इसलिए हमने यहाँ पे छठ घाट और जस्ट थोड़ा सा नदी के किनारे शमशान घाट मुक्ति धाम के लिए हम उद्घाटन किए हैं और क्षेत्रवासियों के समस्या को देखते हुए और उनके उत्साह को भी देखते हुए। मुहर्रम की 9 तारीख का जुलूस बड़े ही अदब के साथ निकाला गया है। तजियादारी के साथ साथ दुलदुल निकालकर ये जुलूस मनाया गया और जुलूस के दौरान जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लंगरे खास का इंतजाम भी किया। इसे लोगों ने तकसीम किया है और रायबरेली सीओ सिटी वंदना सिंह भी फोर्स के साथ जुलूस में तैनात रही। सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम देखने को मिला। जगह जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग और मुस्तैदी साफ दिखी है। आपको बता दें कि पुलिस की सुरक्षा देखने को मिली और व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने भी आश्वस्त किया कि मैं खुद पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रही हूं। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार बताते चले आपको कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन को करबला की जंग में परिवार समेत शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम महीने का इतिहास इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है और इसे गम का महीना भी कहा जाता है। इस्लाम में इसे रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के पोते थे, उनकी शहादत हुई थी। इस शहादत को याद करते हुए मुहर्रम के दिन जुलूस और ताजिया निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों ही के बीच जुबानी जंग के तीर एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। दरअसल मीडिया के सवाल का सपा प्रमुख ने एक ऐसा जवाब दिया कि वो डिप्टी सीएम को भी चुप गया है। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के इस बयान को पिछड़ों के खिलाफ बता दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि डिप्टी सीएम के पिछड़े होने का लाभ बीजेपी उठा रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़े दलित और मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल हुआ तो उन्होंने जबरदस्त पलटवार कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुझे लगातार अवसर मिल रहा है, ये सपा प्रमुख को सहन नहीं हो पा रहा। उनको लगा कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार, अब तो मुझे राहत मिलेगी, लेकिन हारने के बाद भी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने डिप्टी सीएम बना दिया, इससे वो हताश, निराश और उदास हैं। उनको लगता है कि वो हमको धोखा नहीं दे सकते हैं, अब वो फूट नहीं डाल सकते। और उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित ओमेक सोसाइटी के महिला के साथ अभद्रता करने वाले बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश अभी भी जारी है। उसकी तलाश में पुलिस के साथ टीमों को लगा दिया गया है और माना यह जा रहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। उन्होंने सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया और बताया यह जा रहा है कि नोएडा विकास प्राधिकरण अफसरों पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सोसाइटी के लोगों की शिकायत पर जिन अफसरों ने चुप्पी साध रखी थी उन पर अब एक्शन होना तय है। माना यह भी जा रहा है कि इसी कारण श्रीकांत की हिम्मत बढ़ती गई और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें आपको कि करीब 12 एसटीएफ टीमों को गठित किया गया जो अन्य पुलिस टीमों के साथ श्रीकांत की तलाश कर रहे हैं। श्रीकांत की तलाशी के लिए यूपी से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। इसी बीच एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कहा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और इंटेलिजेंस विभाग की टीमें भी पूरा सहयोग कर रही हैं।
साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने श्रीकांत त्यागी मामले में गृह विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है और इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और इसी खबर के साथ साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।